हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नताशा शाह एंड वेलकम। मेरा मन है नेल्स एक्सटेंशन के लिए रिधिमा दी के पास जाने का। कोई ऐसा महत्व नहीं है नेल्स कराने का, और नेल्स का सामान मेरे पास खुद ही है, मैं खुद ही घर पे कर लेती हूँ अपने नेल्स अब। लेकिन बस मेरा मन कर रहा था कि मैं रिधिमा दी से मिलूँ थोड़ा गप्पे मारने का, मैं बोर हो रही थी घर पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग रिधिमा दीदी से मिलने चले जाएं। इसी बहाने नेल्स भी करवा लेती हूँ उनसे मैं, क्योंकि ऐसे बिना रीज़न के रिधिमा दी के पास जाना भी मुझे सही नहीं लग रहा है। तो अभी जस्ट मैं निकल रही हूँ फुवारा चौक, क्योंकि रिधिमा दी वहीं रहती है, और मेरा मन कर रहा है यार बस करवा लेती हूँ, बात भी कर लूँगी रिधिमा दी से। और बस मैं घर पे बोर हो रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था जाऊँ कहाँ। तो फिर मैं वहीं नेल्स करवा लेती हूँ, पर मुझे ना नेल्स करवाने की ज़रूरत वापस से पड़ेगी, क्योंकि अभी मेरे को जब गोवा टूर में जाना है ना अपने, तब तक मेरे नेल्स ख़राब हो जाएंगे, तो मे बी मैं अपने नेल्स दोबारा से करवाऊँ। तो या फिर अभी अगर रिधिमा दी मेरे नेल्स सही से कर लेती है तो मुझे गोवा ट्रिप में जाते टाइम नेल्स दोबारा से नहीं करवाने पड़ेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ, लेट्स गो। पर मुझे ना ये ऐसे पसंद है, जब भी मैं गाड़ी चलाऊँ मुझे सनरूफ ऐसे चाहिए होती है, क्योंकि भाई सनरूफ ले रखी इसीलिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी गाड़ी में सनरूफ है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट व्लॉग में मैं गई थी रिधिमा दी के पास और मैंने नेल्स करवाए, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। मतलब मेरी लाइफ में जो भी अपडेट्स चल रही थी आई शेयर्ड विद हर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी मतलब बहुत इनकरेज किया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई बताई। अभी आज मैं जा रही हूँ अपने बाल कलर कराने, क्योंकि मेरे को ना मेरे बाल पसंद नहीं आ रहे, मैं बोर हो गई अपने बालों से। थोड़ा कैरेटीन भी करवाऊँगी और कलर भी चेंज करवाऊँगी। सो यही व्लॉग है आज का, मैं जा रही हूँ बाल कलर कराने, तो लेट्स सी मैं क्या करवाती हूँ। अभी कुछ ऐसे लग रहा है, कलर नहीं हुआ अभी, होएगा। देखो आप लोग। सो गाइस, मुझे हेयर टेक्सचर आज बहुत महंगा पड़ गया। मैं सैलून गई थी और मैंने गाड़ी पार्क करी थी नीचे, और वो वाइट लाइन से बाहर थी, और ये मुझे पता है। मैं उतर के देखा, फिर मैं दोबारा गाड़ी की तरफ गई कि मैं गाड़ी ढंग से पार्क करती हूँ। एक भैया थे साथ में, उन्होंने बोला नहीं नहीं सही है कोई बात नहीं रहने दो। मैंने कहा भैया पुलिस तो नहीं उठा कर ले जाएंगे ना, उन्होंने बोला नहीं नहीं सही है। मुझे लगा सही होगा, तो मैं निकली और मेरे को पता था कि गाड़ी गलत लगी है। उन भैया ने मुझे दिलासा दिलाया कि नहीं नहीं बेटा आपकी गाड़ी एकदम सही लगी है, कुत्ता उसकी वजह से मैं चलान, और मैं बिल्कुल बाल करके आ रही हूँ आराम से मचल मचल के नीचे। और मैंने देखा कि व्हाट आई सी कि मेरी गाड़ी वहां पर है नहीं। थोड़ी देर के लिए ना आई वॉज म्यूट, गाड़ी कहाँ चली गई, वापस गई। फिर रिहान ने मुझे बताया कि यहीं पर लेकर जाते हैं वो गाड़ी, यहीं पर कचहरी है। हाँ पार्किंग, नहीं नहीं पार्किंग नहीं, गाड़ी लगाई थी, लगानी है गाड़ी कहीं नहीं, यहाँ से रास्ता नहीं है क्या जाने का? नहीं, ओहो चलो, यहाँ से रास्ता और वहाँ से, कहाँ जाना आपको? मुझे तो बंजारा वाला सही, वहाँ से आगे से घुमा के ला दो। लो गधी हूँ मैं, गलत साइड आ गई। हाँ तो फिर रिहान ने मुझे बताया, और फिर मैं अपनी गाड़ी वहाँ से लेकर आई हूँ।
तो मेरे को चलान भरना पड़ा। इस गाड़ी का फर्स्ट चलान जो कि मेरे ही हाथों भर रहा है मेरी बेवकूफी के कारण। आठ और 10,000 रुपए झुक तो गए आज एक दिन में। नहीं, चालान 10,000 का नहीं आया, चालान तो 1,100 रुपए का आया, बट स्टिल 1,100 बहुत होते हैं यार। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ 6 नंबर, क्योंकि मेरे को वंदना से मिलना है। मेरी दोस्त है, मतलब अच्छी है, मतलब मुझसे छोटी है, मुझे दीदी बोलती है, लेकिन मुझे उसके साथ बातें करना बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है दिल की, बहुत अच्छी। तो मैं उसके साथ थोड़ा ऐसे ही उसके साथ थोड़ा ऐसा शेयर करूँगी, कुछ खाएंगे पियेंगे बैठेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं पर उसको पक्का बुरे लगेंगे स्टार्टिंग में उसको लगेगा दीदी चिच्ची, ऐसे बोलेगी वो चिच्ची दीदी क्या करा दिया आपने। सो गाइज, मैं और बंधु हम लोग चिट चैट कर रहे हैं और हम लोगों ने मंगाया वाइट सॉस पास्ता किसी कैफे में बैठे हैं। ब्रदर्स कैफे में बैठे हम लोग सिस्टर्स ब्रदर्स कैफे में बैठ के चिल कर रहे हैं। मंगाया है वाइट सॉस पास्ता। गाइज, लोगों की चुगलियां करने के बाद फाइनली अब टाइम आ चुका है वरना जा रही है अपने घर। ठीक है वरना बाय बाय। चुगलियों के साथ हमने और क्या क्या किया, गंदी बातें की, थोड़ी गंदी बातें करके लोगों की चुगलियां करके अपना प्यार। तो अब वरना जा रही है और गाइज वापस मिलेंगे। हमने लिए मिंट लिया है क्योंकि हमने सिगरेट पी थी। मेरे ससुर जी ने भी होगी, मैंने तो नहीं पी, किसी ने नहीं पी गाइज, हम दोनों सिगरेट नहीं पीते। तो बाय वन्ना, मिलते हैं कल। और दीदी को कमेंट करके बताना सुंदर लग रही है फोटो में, तुम बोलोगे अजीब सी लग रही है बट सही में बहुत सही लग रहा है ना। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं यार, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगा ये पहले ऐसे बोलेगी छी दीदी क्या किया हमने, पर ठीक है, मतलब अभी तुम इंस्टेंट देखोगे तो अलग लगेगा बट अच्छा सही लग रहा है। मैं जैसे आई मैंने बोला वाह क्या कराया आपने। तो चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल, बाय बाय। और अंकल देख रहे हैं कि गाड़ी कहाँ पार्क कर रखी है इसने। चल बाय। ओके गाइस, सो मैं भी निकलती हूँ और मिलते हैं। अब मुझे जिम जाना है। यस बाय बाय फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ येलो हिल्स और येलो हिल्स में मैं सैंडी सर बोल रही हूँ, प्रशांत सर और झुमरू का वेट कर रही हूँ। वो लोग मेहू वाला तक पहुँच चुके हैं, हम लोग थोड़ा यहाँ बैठेंगे, मेरा मन है उनसे बात कर। मैं तो यहाँ येलो हिल्स में सर लोगों का वेट कर रही हूँ और वो लोग पता नहीं कितने घंटे हो गए आए नहीं अभी तक, और मुझे लग रहा है कि जिनी मुझे देख के ज़रूर हंसेंगे मेरे बालों पे देख के, कह रहे यार तू कहीं मत जाना प्लीज़, मैं सुबह से हंसा नहीं हूँ। मेरे फ्रेंड्स लोग आ चुके हैं और ये मुझे देख के हंसरत है, खुद अपनी शक्ल देखो इनकी, ये मुझे बिना दाढ़ी के इतने गंदे लगते हैं ना। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, जिनी आ चुके हैं और जिनी भी ने बिना दाढ़ी के बहुत गंदा लगा। जिनी मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? बहुत ही यार, अभी आप नया नया देख रहे हो ना इसलिए आपको लग रहा है, अभी आदत नहीं है ना, कुछ दिनों में ठीक लगेंगे। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, मैं बोर हो गई थी अपने बालों से बहुत। गोवा जाने के लिए कराया है मैंने। हां यार सही है, गोवा जाने के लिए आपकी दाढ़ी बढ़ जाएगी आराम से एक हफ्ते के अंदर। गाइस मुझे ना बिना दाढ़ी के अच्छे नहीं लगते, ये दाढ़ी में बहुत अच्छे लगते हैं, हैंडसम। जैसे अभी हम ढाकर की मूवी में गए थे ना, मतलब शूट पे गए थे, तो वहाँ पे इनकी दाढ़ी थी, मैन लग रहे थे मैन। अभी देखो छीले हुए लग रहे हैं। छी कराया आपने चींटी के लिए? छूटे हुए फ्राई, छूटे हुए आलू फ्राइज कितना बेचना। मैं चींटी है चाचा, जो भी लेके आते हैं ना बिल्कुल मत लिया कर बेटा, बहुत गंदा चाचा है तेरा।